साइंस में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम शारदा जादून है। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाली हैं? मैं आगरा की निवासी हूँ, पर अभी मैं कर्नाटका बैंगलोर में सेटल्ड हूँ। आपने खेल की दुनिया में ताइक्वांडो के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त की है, उसके बारे में आप दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। जी, मैं 2018 अगस्त में मैंने मलेशिया में गोल्ड मेडल जीता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत सारे नेशनल लेवल पे गोल्ड सिल्वर मेडल्स जीते हैं। मैंने 2019 में ही अभी दो सिल्वर मेडल्स नेशनल लेवल पर जीते थे। मैं तीन डिफरेंट स्टेट से खेल चुकी हूँ। मैं यूपी से खेल चुकी हूँ, मैं गुजरात से खेल चुकी हूँ और मैं कर्नाटका से भी खेल रही हूँ। ताइक्वांडो के अलावा मैं जूडो, वुशु, कराटे, किकबॉक्सिंग में भी नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। क्षेत्र में आपने इतनी ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जी, इन सभी का पूरा श्रेय मैं अपनी नानी जी श्रीमती लौंगश्री जी को देना चाहती हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ा? जी, अभी हम लोग जब ट्रेनिंग में, जब हमारी चैंपियनशिप नहीं होती है तो हमें कम से कम 4 घंटे की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हमारी चैंपियनशिप होती है तो हमें 6 से लेकर 7 घंटे तक की डेली प्रैक्टिस होती है। ताइक्वांडो के क्षेत्र में आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल्स लेकर आऊँ और ताइक्वांडो का भी नाम रोशन करूँ। साथ में ताइक्वांडो के लिए एक अच्छे लेवल पे एक रेफरी बनूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक अच्छी कोच भी बनना चाहती हूँ। ताइक्वांडो से जुड़े खेल प्रेमियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ मैं एक गेम मार्शल आर्ट जो कि ताइक्वांडो है उसके वजह से कर पाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने इन्हीं एरियाज को एक्सप्लोर कीजिए और ताइक्वांडो ज्वाइन कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। जनवर टाइम्स, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।